अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि इफ़ अर्थ रिसीव्स टू कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर सोलार एनर्जी व्हाट आर एम्पलीटूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो अगर ये चीज़ आपको पूछ ली जाती है और आप यहाँ पे देखें कि आपको जो एनर्जी दी हुई है वो टू कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट में दी हुई है तो इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस जो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट होता है वो होता है एनर्जी आई मीन यहाँ से अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अब जो आपको एनर्जी दी हुई है जो सोलर एनर्जी के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दी हुई है टू कैलोरीज टू कैलोरीज पर मिनट यानी कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट इज आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो क्या है? ये दोनों का डायमेंशन अप्रॉक्स ये सेम होगा सेम होगा मतलब हमें जो क्वेश्चन में ये टू कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये आपको एक्चुअली में पॉइंटिंग वेक्टर ही दे दिया गया है ठीक है तो अभी आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने आपको पॉइंटिंग वेक्टर ही दे दिया है अभी यहाँ से आपको डायरेक्टली पॉइंटिंग वेक्टर से एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यानी कि S इज इक्वल्स टू ई एच इज इक्वल्स टू क्या दे दिया गया है आपको टू कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसको हम जूल में कैलोरीज uh, को जूल में मिनट को सेकंड में और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे सो टू मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीज वन कैलोरी इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट वन एट फोर जूल होता है आपका तो so, कैलोरी की जगह रख देंगे फोर पॉइंट वन एट फोर जूल डिवाइडेड बाय इन एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं इन वन मिनट देर आर सिक्सटी सेकेंड्स सो वी पुट सिक्सटी सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है आपका टेन रेज टू पावर ऑफ माइनस टू मीटर अगेन वन मोर टेन रेज टू पावर ऑफ माइनस टू मीटर तो ये आपका कन्वर्ट हो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में जो कि एक्जैक्टली exactly आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की ही यूनिट है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा वन थ्री नाइन फोर पॉइंट सिक्स सिक्स ई एच का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा ठीक है ये ई एच का वैल्यू आपको इतना मिल जाएगा अगेन फ्री स्पेस में आपको वेव इंपीडेंस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ कराया हुआ है जहाँ पे ई बाई एच की जो वैल्यू है वो आपकी थ्री सेवन निकल के आती है तो वहां से हम लोग जानते हैं कि ई बाई एच की वैल्यू इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू थ्री सेवन और ई एच हमने कैलकुलेट कर ही लिया तो अगर अब आप लोग ई एच मल्टीप्लाइड बाई एच करेंगे जहां पे एच से एच कट जाएगा देर फोर ई e स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू आ जाएगी ई e एच की वैल्यू इज थर्टीन नाइनटी फोर मल्टीप्लाइड बाय ई बाई एच की वैल्यू कितनी है थ्री सेवेंटी सेवन देर फोर यहाँ से ई e की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी ई e की वैल्यू निकल के आ जाएगी आ, ये है सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन ओके सो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन वन ये आपका यूनिट है ठीक है इसी तरीके से यहाँ से जो एच की वैल्यू निकल के आएगी एच आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपके सामने है ई बाई एच इजिकल्स टू थ्री सेवेंटी सेवन तो यहाँ से आपका एच क्या आ जाएगा एच आपका यहाँ से आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय थ्री तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं क्योंकि ई e की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9233 अगेन मेन अल्टीमेट आई मीन अल्टीमेट हमारा जो लक्ष्य है जो एम है वो क्या है हमारा ई नोट एंड एच नोट को कैलकुलेट करने का तो वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि e नॉट इज इक्वल्स टू आपका अंडर रूड टू इन टू एंडल टू अंडर ई और h का वैल्यू आप ऑलरेडी पिछले वाले इसमें कैलकुलेट कर ही चुके हैं ई e का वैल्यू था सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन वन ठीक है तो ई नॉट का क्या वैल्यू आ गया e नॉट का वैल्यू आपका आ गया अंडर रूड टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन वन इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा ये आपका असाइनमेंट रहा एंड देन एच नोट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड बाई एच एच का क्या वैल्यू था वन पॉइंट नाइन टू थ्री थ्री ये भी आपका असाइनमेंट रहा ठीक है ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो यही इन्होंने हमसे पूछा था कि वॉट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब कौन सा पुण? जो इन्होंने इन्होंने इसमें इसमें किया है 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 जिसका एरिया भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है? तो इस तरीके के questions, pointing vector based होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं exam point of view से हमेशा किसी भी तरीके के एग्जाम हो इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं गेट का एग्जाम है या कहीं भी आप आ, कोई भी इस तरीके के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए जाते हैं जिसमें कि ये सब्जेक्ट आपका इंक्लूडेड है इंजीनियरिंग फिजिक्स तो वहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर के न्यूमारिकल्स हमेशा इंक्लूड होते हैं इस तरीके के तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहता है और आपको ये क्वेश्चन जो है निकालने आने चाहिए कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आई uh, होप आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में